अस्पताल के सीएमएचओ और स्टाफ पर दवा और उपकरणों की खरीदी के मामले में रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे और विधायक राहुल सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों पर एक्शन की मांग की है। इसके साथ विधायक ने कुछ डॉक्टरों पर भी जानबूझकर महंगी दवाएं लिखने का आरोप लगाया है।